रॉस पेरो, नवाज शरीफ, माइकल हेजलटाइन से लेकर के बिरला और विजय माल्या तक कई उद्यमियों की राजनीति में आने की महत्वाकांक्षा रही है। समाजवादी पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद अमर सिंह भी उसी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कलकत्ता में छात्र परिषद के सदस्य के रूप में शुरुआत कर पहले माधवराव सिंधिया और फिर मुलायम सिंह यादव का खासम खास बनना और फिर बैकरूम किंग मेकर और पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट की भूमिका निभाने की स्थिति में होना अपने आप में एक लंबा राजनीतिक सफर है। अपनी बेबाकी और साफकोई के लिए मशहूर यही अमर सिंह आज हमारे साथ स्टूडियोज में है। अमर सिंह जी, आप हैं समाजवादी पार्टी से, लेकिन उठते बैठते हैं रईसों के साथ, एलीट के साथ, आम आदमी से आपका संबंध नहीं है। एकदम गलत, इसलिए कि 24 घंटे में 20 घंटे मैं अपने लोगों के बीच रहता हूँ। बीबीसी के कार्यालय में आने से पहले उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, जौनपुर और बलिया के कार्यकर्ताओं से लगातार 5 घंटे मिल करके मैं आया हूँ, लेकिन बीबीसी की नज़र में या टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स की नज़र में वो खबर नहीं है। लेकिन मैं 10 दिन में एक बार अपने बड़े भाई अमिताभ बच्चन के साथ कहीं घूमने चला जाऊंगा, वो खबर है, क्योंकि उस खबर में स्पाइस है, चटकारापन है। मीडिया ने मुझे एक जाना पहचाना नाम बना दिया है, इसलिए अब मैं छींकता भी हूँ, खांसता भी हूँ, तीर्थ पे भी जाता हूँ, घूमने भी जाता हूँ, तो खबर हो जाती है। खुशी कैसे कह दूं जो कहते हैं उनको, कहने दो दिल को सुन लोग आपको व्हीलर डीलर कहते हैं और कुछ लोगों की राय है, हालांकि बहुत जिसे कहा जाए कि फ्लैटरिंग वो एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि आप मुलायम सिंह के पिछलग्गू हैं। मैं मुलायम सिंह का पिछलग्गू तो निश्चित रूप से हूँ, क्योंकि जिसको आप अपना नेता माने, अपना बड़ा माने, उसका पिछलग्गू होना तो गौरव की बात है। निश्चित रूप से मैं शहरी वातावरण में पला बढ़ा, कलकत्ते में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई सेंट जेवियर्स और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ में, और गांव के जीवन के बारे में मुझे कुछ खास जानकारी नहीं थी। तो जब मैं समाजवादी पार्टी में और आंदोलन में सम्मिलित हुआ तो लोक भाषा, लोक भूषा, लोक भोजन, उन्होंने कहा ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है आत्मसात करने के लिए। तो उन्होंने मुझे बाध्य किया कि मैं कुर्ता पजामा पहनूँ, लोक भूषा, लोक भाषा, कहे आजमगढ़ जाओगे तो संस्कृत निष्ठ हिंदी में बात करोगे, तो हमने कहा नहीं आप बताएं, तो बोलो भोजपुरी आती है, हमका बहुत अच्छे से हम भोजपुरी बोल लेला। तो जो ये जो आरोप बाकी हमके भोजपुरी बोला ना आवेला, हम जनता के बीच में ना रहेला, यो ठीक बात नहीं बा। अब लोग भोजन हम लोग ये क्या नेताजी, मुलायम सिंह जी को लोग नेताजी कहते हैं, बोले सत्तू कभी खाया है, हमने कहा सत्तू की लिट्टी खाई है, बोल बढ़िया है, सत्तू और पानी और अचार वो भी खाइए। तो जिस दिन आप पंगत में बैठ के गरीब जनता के साथ सत्तू खा लेंगे या सामान्य पत्तल में बैठ के मोटा चावल खा लेंगे, तो मेरे अंदर वो क्षमता मुलायम सिंह जी ने बनाई कि मुझे तीन गुण उन्होंने मेरे चरित्र के अंदर दिए मुझे, तो इसलिए मुझे इस बात का गौरव है कि मैं मुलायम सिंह जी का पिछलग्गू। लेकिन आप पत्तल में बैठ के खाना खा सकते हैं, सत्तू पी सकते हैं, लेकिन साथ ही आप कैवियर भी खा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपको सच बता रहा हूँ, कैवियर मैं नहीं खा सकता। आज भी बचपन से 18 साल की आयु से मैं घर से निकल गया था, और बल्कि निकाल दिया गया था, पिता ने कहा कि परिवार का व्यवसाय करो नहीं तो घर छोड़ो। तो मैं हॉस्टल में या किसी मित्र के घर पर हरदम रहता था। आज भी अगर आप मेरे घर आ पाए, आपको आमंत्रण बिना बोले, तो आप देखें एक सब्जी या एक दाल और रोटी मैं खाता हूँ। और मुझे यहाँ मूसा राजा जी की बहुत याद आ रही है, वो बहुत प्रख्यात विद्वान थे और दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे। एक दिन मैंने उन्हें खाने पर बुलाया, तो
तो मेरी पत्नी को हरदम ये रहता था कि तुम्हारे साथ अगर कोई खाने के टेबल पर रहे तो घर की लाज जाएगी, क्योंकि तुम तो एक सब्जी या दाल और रोटी खाओगे तो दूसरा क्या सोचेगा कि हम लोग कितने दरिद्र हैं। तो उन्होंने 3-4-5 तरह का खाना बनाया और हमारी थाली में सिर्फ एक सब्जी और कुछ और लग्जरी हो गई थी उस दिन, एक दही, 2 कटोरी और पराठा और अचार। तो मूसा राजा जी ने खाने की थाली मेरी देखी और उनके थाली में जो 3-4 व्यंजन थे उसको निकाल के उन्होंने अलग रख दिया और फिर कहने लगे कि भैया खाना तो रोटी और बोरन है। रोटी, अब बोरन मतलब चाहे दाल हो या सब्जी हो जिसमें बोरा जा सके, रोटी रोटी और बोरन खाना है। हमने कहा बाकी सब क्या है? बोले ये सब अमीरों की अयासी है। माधवराव जी हमारे अभिन्न मित्र थे और उनकी मृत्यु से 3 साल पहले हमारा उनका साथ छुट्टी बिताना सचमुच बंद हो गया था। राजनीतिक व्यवस्था, उनकी अलग धारा, मेरी अलग धारा, हालांकि अब अफसोस होता है लेकिन अन्यथा हम सब छुट्टियां बिताने लंदन जरूर साथ जाते थे। तो उनका एक इटालियन रेस्टोरेंट था सेंट लॉरेंजो लंदन में, वो मुझे बहुत पसंद था और जब भी सेंट लॉरेंजो में जाने की बात होती थी मेरा मुंह लटक जाता था। और दूसरा उनका एक थाई रेस्टोरेंट होता था वहाँ, ब्लू एलिफेंट, वहाँ भी बहुत जाते थे लंदन में। तो जाता तो जरूर मैं था उनके साथ लेकिन रोज़ झगड़ा होता था शाम को कि, और उसके पहले कहते थे अमर 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 कहते थे मुझे, अब अमर के झगड़ने का समय हो गया क्योंकि उन्हें थाई खाना पसंद नहीं, विचित्र व्यक्ति है। और अभी भी मुझे याद है रमन स्ट्रीट में गुप्ता की दुकान है लंदन में, और जब भी मौका मिलता था तो मैं अकेले वहाँ टैक्सी पकड़ के, वो ब्लैक कैब पकड़ के, वो वहाँ पर मैं कचौड़ी गुप्ता की खाता था। तो ये एक इमेज है, एक इल्यूजन है कि मैं कैवियर वाइन और हाई फ्लायर हूँ। लेट मी टेल यू, ऐसा है नहीं। आप छात्र परिषद के सदस्य थे, वहाँ से आपने शुरुआत की, फिर आप AICC के सदस्य बने मध्य प्रदेश से। माधवराव सिंधिया के बहुत नज़दीक थे एक ज़माने में, मुलायम सिंह की तरफ कैसे आए? मुलायम सिंह जी के आदर्शों से प्रेरित होकर उनकी तरफ नहीं आया। मुलायम सिंह जी ने और उनकी सादगी ने, उनकी निश्चलता ने और उनका उनका जो सीधा स्वभाव है जो राजनीति में देखने को नहीं मिलता। राजनीति में बहुत कपट है और राजनीति में बहुत मिथ्या है और अलोकप्रिय होने की कीमत पर भी मुलायम सिंह जी सीधी बात करते हैं। लेकिन आपकी मुलाकात कैसे हुई, किसने मिलवाया आपको उनसे पहली बार? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में वीरबहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे, वो भी हमारे बड़े निकट के मित्र थे। तो वीरबहादुर जी भी एकदम गांव के व्यक्ति थे और एकदम जड़ से जुड़े हुए और उनकी मुलायम सिंह जी से बड़ी मित्रता थी। तो मुलायम सिंह जी प्रतिपक्ष के नेता थे और ये मुख्यमंत्री थे, फिर भी दोनों में खूब वैचारिक मतभेद और खूब तीखी तकरार और फिर भी बहुत मेल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो गवईपन था दोनों को बांधे रखता था। और वीरबहादुर सिंह जी की निकटता की वजह से मुलायम सिंह जी मुझे जानने लगे। लेकिन मुलायम सिंह जी की और मेरी जो प्रगाढ़ता हुई वो हमारे आजमगढ़ के एक हमारे पारिवारिक मित्र होते थे, पहले विधायक थे, सांसद भी रहे और उनका निधन हो गया अभी तो कुछ वर्ष पहले, श्री इज्जत यादव। तो इज्जत यादव ने मेरे बारे में आदरणीय मुलायम सिंह जी को बताया। तो मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश भवन में हम लोग एक दूसरे को औपचारिक रूप से तो बहुत बार मिले थे लेकिन मेरी पहली अंतरंग बैठक आदरणीय मुलायम सिंह जी से उत्तर प्रदेश भवन के एक छोटे से मलिन कमरे में हुई। और उसके बाद से फिर हमारी जो मुलाकात का दौर है, सिलसिला है, वो एक मुलाकात के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, और हर मुलाकात में मुलायम सिंह जी का एक नया चेहरा, एक नया रूप, एक नई बात मुझे पता चली और प्रगाढ़ता होती गई। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। Thank you.
मेरी हार सुन ऐ मेरे यार, मेरा गम मेरी जान तेरी जान अपना प्यार, जान से भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे, जान से भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे सब तेरे दुश्मनी। आपने अपनी पढ़ाई की है सेंट जेवियर्स कॉलेज में, कुछ याद करिए उन दिनों को, कलकत्ता के आपके दिन कैसे थे? वो दिन बहुत संघर्ष के दिन थे और बहुत ही पीड़ा के दिन थे, इसलिए कि सेंट जेवियर्स कॉलेज में मेरे पढ़ने के पीछे एक इतिहास है। मेरे पिता अच्छे व्यवसायी थे लेकिन किसी अच्छे पाठशाला में या स्कूल में भेजा जाए और पढ़ाई लिखाई कराई जाए, उनका यह कहना था कि पढ़ाई लिखाई इसलिए कर लो कि डिग्री मिल जाए, ताकि मन में ये कुंठा न रहे कि डिग्री नहीं है, शिक्षित नहीं। लेकिन कोई ज्ञान के लिए शिक्षा करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि करना तो परिवार का व्यवसाय है। मेरे मन में था कि भाई मेरे स्कूल हो, दून हो, शेरूड हो, और नहीं हो तो कम से कम सेंट जेवियर्स हो। तो बड़ा मजाक उड़ता था कि ये मूंग और मसूर की दाल। हिंदी भाषी संस्थान से पढ़ा था मैं, और जब सेंट जेवियर्स में मैं गया तो वहाँ सारे यूरोपियन प्रोफेसर थे, फादर जी डी बनहोम, स्टुअर्ट, स्किपर्स नाम भी मुझे याद हैं, और जो एक ही देसी व्यक्ति थे जो अंग्रेजी पढ़ाते थे, पी लाल, वो बड़े उद्भुत विद्वान, और लेकिन हमको उनका उच्चारण नहीं समझ में आए। और दूसरा क्या है कि हमारे जो सहपाठी थे उसमें अधिकांश के पास गाड़ियाँ होती थी, और जिसके पास गाड़ी नहीं थी उनके पास बाइक होती थी, और उस समय कोई एजुकेशन नहीं था, और सेंट जेवियर्स के लड़के लारेटो की लड़कियों के पीछे और लारेटो की लड़कियां सेंट जेवियर्स के लड़कों के पीछे, ये एक लारेटो का और सेंट जेवियर्स का एक समन्वय भी था। और मैं ही एकमात्र व्यक्ति था या विद्यार्थी था जिसकी कोई महिला मित्र नहीं थी, लेकिन मेरे जीव में पैसे नहीं थे, और पार्क स्ट्रीट में जहाँ एक कॉलेज है वहाँ फ्लूरीज और ब्लू फॉक्स और ट्रिंकास ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते थे, तो वहाँ पर मैं किसी महिला मित्र को ले जा करके चाय नहीं पी सकता था, कॉफ़ी नहीं देख पी सकता था, तो मैं रोज़ बीसम बटराम और 9 नंबर बस, मुझे अभी भी याद है, उससे जाता था और फिर पैदल चलता था, और पैदल चलकर पहुँचता था तो मैं देखता था बड़ी हसरत से कि गाड़ी में हमारे सहपाठी उतर रहे हैं। और इस भौतिकवादी संसार में अगर आप किसी अच्छे कुल से नहीं हैं या आपके पास वो साधन नहीं है जो दूसरों के पास हों, तो मैंने ये महसूस किया कि आपको सामाजिक स्तर नहीं मिलता अगर आपका आर्थिक स्तर ठीक नहीं है, तो या तो आप खेल में या पढ़ाई में अद्भुत या विलक्षण हो, कहीं ना कहीं आपको ऊपर होना होगा, तभी आपको स्वीकृति मिलती है, और मैं हर जगह मीडियोकर था। आपका विवाह हुआ 1987 में, और अगर मैं गलत नहीं हूँ जी, 31 वर्ष की आयु में जी। कहाँ मुलाकात हुई आपकी पत्नी से? मैं जब तक अपने पाँव पर खड़ा नहीं हूँ तब तक मैं विवाह नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैंने बहुत दिन तक विवाह नहीं किया, और बहुत अच्छे प्रस्ताव भी आए उस समय तक। मैं बहुत आरंभिक स्तर पर ही सही, लेकिन मैं स्थापित होने की प्रक्रिया जीवन में आरंभ हो गई थी। और एक चीज़ था जिसकी मुझे गलानी है आज, उस समय मैं ये मेरे मन में कूट कूट के संस्कार बढ़े थे कि अंतर जाति विवाह नहीं करना, मुझे स्वजाति विवाह ही करना। हालांकि बंगाल बहुत ही उदारवादी जगह रही है जहाँ मैं रहा हूँ, राममोहन राय की जगह रही है, सामान्य मित्रों ने ये प्रस्ताव लेकर के आए, और हमारी पत्नी राजपरिवार की हैं, इसे मैंने अच्छा नहीं माना, क्योंकि मेरा मानना था कि जो हमारे संस्कार हैं फक्कड़ और जो इनके संस्कार हैं उनमें अंतर विरोध होगा, तो इसलिए जब दबाव पड़ा तो मैंने कहा कि मैं इस महिला से मिलना चाहूँगा। सोफिटल सूर्या में मैं उनसे मिला और मैंने उनसे कहा कि देखिए मेरे पास कोई राजप्रसाद नहीं है, और जो घर था उससे भी मैं निकाला हुआ व्यक्ति हूँ, तो अनिश्चितता का बड़ा क्रम है जीवन में। मैं आपको बता दूं, मैं एक अच्छा पति नहीं साबित होऊंगा, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। तो मेरी पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं सब कुछ समझ के जान के इस संबंध के लिए इसलिए तैयार हूँ कि हमारी जाति में, विशेषकर क्षत्रियों में, हम लोग अतीत के गौरव में रहते हैं,
और हमारे लोग शराब पीते हैं और तरह तरह के दुष्कर्म भी करते हैं, वो ऐब है सर, जागीरदारी और राशि ऐब हैं। तो कम से कम आपके अंदर जो एक काम करने की ललक है, स्वयं को और अपने जीवन को परिभाषित करने की एक जो अभिलाषा है, इससे मैं प्रभावित हूँ और इसलिए मैं आपसे विवाह करूँगी। तो हमने कहा कि आप बाद में अगर हमसे लड़िएगा कि समय नहीं मिला, या बाद में कहिएगा कि आप उपलब्ध नहीं हैं, तो मैं आपको इस क्षण इस पल की याद दिलाऊंगा। शादी से पहले कोई एडोलेसेंट रोमांस? एक महिला है, मैं नाम नहीं लूँगा, अभी भी हैं और बहुत बड़े व्यक्ति की पुत्री हैं। मित्रों के माध्यम से मुझ में रुचि दिखलाई और मुझे अच्छा भी लगा। लगभग उन्होंने भी वही बातें कही जो हमारी पत्नी ने कही, लेकिन कुछ रोमांस नहीं हुआ। उनकी अनुभूतियों के बारे में भिज्ञ होने के बाद अगर मैं आगे बढ़ता तो बहुत आशा थी कि रोमांस होता और शायद विवाह भी हो जाता, लेकिन मैं डर गया क्योंकि वो इतने बड़े व्यक्ति की पुत्री थी और अभी वो विवाहित हैं और बहुत सफल हैं अपने क्षेत्र में, इसलिए नाम लेना ठीक नहीं है। लेकिन इसको आप रोमांस नहीं कह सकते। एक होता है कि एक रोमांच होता है, एक अच्छा लगता है कि किसी ने आपको, आपकी गुणवत्ता को, आपके व्यक्तित्व के किसी पहलू को गुना सराहा, बस इतना ही। और आज भी मेरी महिला के लिए दुर्बलता है। बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं देश के, जीविका के लिए आप क्या करते हैं? What do you do for living? मैं देश का कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, ये आपने बड़ी अतिशयोक्ति वाली बात की है। 96 में पहली बार मैं संसद में आया और मैं पहला, मेरे संसद का ये कार्यकाल है, मैं बहुत जूनियर, बहुत कनिष्ठ सांसद हूँ। और जीविका के लिए मेरी एक केमिकल फैक्ट्री गाजियाबाद में पहले अच्छी चलती थी, आजकल अच्छी नहीं चल रही है। और एक हमारी पावर प्रोजेक्ट है वो कर्नाटक में है, ये मैसूर के पास। इसके अलावा ट्रेडिंग का कुछ काम है। तो मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा पैसे का उपक्रम मैं कर पाता हूँ, लेकिन जितनी मेरी ज़रूरत है, जितनी मेरी अभिलाषा है, जिस तरह के जीवन स्तर को जीने की मेरी आदत रही है, उससे कहीं ज़्यादा उपाय ईश्वर की कृपा से और मित्रों के सहयोग से, उनकी शुभकामनाओं से मेरे जीवन में इतना उपादान हो जाता है कि मैं बहुत आराम से रह सकता हूँ। राजनीति के अलावा और आपके क्या क्या शौक हैं? खाली समय अगर आपको मिलता है तो किस तरह से बिताते हैं? एक तो खाली समय मिलता ही नहीं, और राजनीति मेरा शौक कभी नहीं रहा, राजनीति मेरा ध्येय रहा। तो मन तो करता है किताब पढ़ूं, और हर तरह की किताब, शोभा दे और जैकी कॉलिन से लेकर के टॉलस्टॉय तक, और महादेव वर्मा और जयशंकर प्रसाद की कामायनी से लेकर के शिवानी तक। तो उसमें कोई ये नहीं है कि ये पीत साहित्य है और ये उच्च वर्ग का साहित्य है। गुलशन नंदा भी अच्छे लगते हैं और प्रेमचंद भी अच्छे लगते हैं। जैकी कॉलिन्स और शोभा दे भी, स्टारी नाइट भी पढ़ता हूँ, टॉलस्टॉय भी पढ़ लेता हूँ, और कार्ल मार्क्स को भी पढ़ लेता हूँ, और हल्का शास्त्रीय संगीत, और विंटेज हिंदी फिल्म सॉन्ग, पुराने हिंदी गीत, ये आजकल के नहीं, टम 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 टारा, चलती है क्या 9 से 12, इस तरह का गाना नहीं, वो सारंगा तेरी याद में, इस तरह के गाने, या जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी
कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अमर सिंह जी, आपको अक्सर फिल्मी हस्तियों के साथ देखा जाता है, आप उनके साथ उठते बैठते हैं, फिल्में देखने का समय मिल पाता है आपको? पहले तो इतना शौक था कि शुक्रवार के दिन फिल्में लगती थी, तो मैं अगर शनिवार तक शुक्रवार को रिलीज हुई चार अच्छी बुरी फिल्में नहीं देख लेता था तो मैं लगता था मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो नून मैटनी एमी नाइट एक दिन में 400 देखता था। आपको एक किस्सा सुनाऊं, मैं जब कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, हॉस्टल में रहता था, तो विश्वविद्यालय के सामने उस समय दूरदर्शन नहीं था, टीवी नहीं थी, और सिर्फ सिनेमा एकमात्र साधन था। 72 के दशक की बात है, बॉबी लगी थी, हमें पता था डिंपल जी स्विमिंग पूल से कब निकलेंगे, कब वो झूठ बोले कौवा काटे का गाना दादा अदा के साथ गाएंगे, कब बॉबी हट में प्रवेश करके हम तुम्हें कमरे में बंद हो ये गीत होगा। वो पूरी तालिका हम समय तालिका हम लोगों के पास थी और हम लोग हरदम देते थे, अरे भाई अब वो डिंपल जी का समय हो गया, वो कौवा कटाएंगे, चलो। तो हम 6 महीने तक लगातार ये देखते रहे। और चूंकि हम लोग विश्वविद्यालय के लड़ी विद्यार्थी थे और हाउसफुल रहने के बावजूद हम लोग चुपचाप संयत भाव से हम लोग खड़े होकर के देखे निकल आते थे, कोई बोलता नहीं था। ग्रेस सिनेमा कॉलेज स्ट्रीट कलकत्ता। अब वो डिंपल जी हमारे मित्र हो गए और एक दिन अमिताभ बच्चन जो हमारे भाई की तरह हैं उनको बीबीसी ने स्टार ऑफ द मिलेनियम जब घोषित किया तो उनके लिए मैंने एक बहुत बड़ा आयोजन किया। और जितनी तारिकाएँ उनके साथ हीरोइंस थी, हीरो थे उनके पूरे जीवन में जिन्होंने काम किया था, सबको मैंने बुलाया और सब आए। डिंपल जी ने भी अजूबा में और मृत्युदाता में कई फिल्मों में काम किया, वो भी आई, उनको भी बुलाया मैंने। मैं बैठा हुआ था तो वो आई गई हमारे पास और वो मुझसे कहने लगी कि क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे। तो मुझे एकाध के एकाएक बॉबी का वो दृश्य याद आया कि मेरा नाम बॉबी है, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? क्या और उसके बाद मैंने कहा हाँ जरूर। तो मैं फिर उनके साथ फ्लोर पर गया और नृत्य करने लगा और मैं हंसने लगा। उन्हें लगा कि घर भद्दी दिख रही हैं या कुछ गड़बड़ है। महिला को ये बहुत बुरा लगता है अगर पुरुष अप्रिशिएट नहीं करे और हंसे, तो लगे मेरा उपहास कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं डिंपल जी, मैं ऐसी बात है कि मैं बताऊंगा तो आप शर्म से लाल हो जाएंगे। कहने नहीं आप बताइए। तो मैंने कहा देखिए, मैं 6 महीने तक लगातार कलकत्ते के गृह सिनेमा में दीवानावार आपको देखने पर्दे पर जाया करता था। दिन में 5-6 बार न देखे बिना देखे आपको हमें चैन नहीं आता था और आज आप स्वयं मेरे पास चल के आई। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। अमर सिंह जी, अमिताभ बच्चन के साथ एक तरह से आपका ऑब्सेशन है, कैसे आप उनके नजदीक गए, कहाँ मुलाकात? और ये गलत शब्द है, मेरा कोई ऑब्सेशन नहीं है। ऑब्सेशन तो मेरा शम्मी कपूर के साथ है और वो हमारे ऑब्सेस्ड हीरो हैं। उनकी एक एक फिल्म हमने 20-20 बार 30-30 बार देखी है। बल्कि अमित जी को लेकर के मैंने कहा मुझे अगर मैं किसी से मिलने गया स्वांत सुखाए तो अमिताभ जी के ही साथ में शम्मी अंकल के घर गया, शम्मी कपूर साहब के यहाँ। लेकिन अमिताभ बच्चन हमारे प्राण हैं, हमारे जिगरी दो
मित्र नहीं कहना चाहिए, बड़े भाई और अग्रज हैं। और उन्होंने ये स्नेह मुझे आज नहीं, जब मैं राजनीति में आऊँगा अथवा नहीं आऊँगा, मैं जीवन में कुछ बनूंगा नहीं बनूंगा, पिछले 20 वर्षों से निरंतरता के साथ इसने मुझे दिया है। अपने उनका घर बंबई में मेरा घर है, उनके घर में मेरा एक अपना कमरा है। तो लेकिन लोगों को ये पहले नज़र में नहीं आया, अब लोगों को वो नज़र में आता है और ये लोग प्रश्न पूछते हैं। तो अमिताभ बच्चन हमारे परिवार के बड़े हैं, हमारे अग्रज हैं। अग्रज और बड़ा भाई होता है, मैं उनका छोटा भाई हूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं। और ऐसा कहने की धृष्टता मैं इसलिए कह रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा सार्वजनिक रूप में मेरे बारे में उन्होंने स्वयं कहा है, इसलिए मैं उसको दोहरा सकता हूँ। अमर सिंह जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए और अपने बारे में इतने विस्तार से अंतरंग बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।